वेलकम डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक वंस अगेन। डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे सरकारी नौकरी से संबंधित। जो प्रश्न आपने मुझे मेल किया था, उन प्रश्नों का जवाब मैं आपको दूंगा, और जिससे कि आपको आपका जो डाउट था, जो भी आपके मन में क्वेश्चन थे, वो सब सॉल्व हो जाएंगे। सरकारी नौकरी के लिए कोर्स कहाँ से करें और कैसे करें? जी हाँ, सरकारी नौकरी पाने के लिए हमें किन किन रास्तों से गुजरना पड़ता है, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ताकि हमें इंतजार न करना पड़े और पहली बार में हमें नौकरी हासिल हो जाए। बहुत सी गलतियां इंसान कर लेता है, स्टूडेंट्स कर लेते हैं, अभ्यर्थी करते हैं, जिसके वजह से उन्हें पुनः कई सालों तक इंतजार करना पड़ता है, जब तक कि नई वैकेंसीज नहीं आती। यहाँ जो भी मैं बात कर रहा हूँ, वे सभी सरकारी नौकरी को मद्देनजर रखते हुए मैं बात कर रहा हूं। तो पहला क्वेश्चन आपने जो किया था कि जो भी सरकारी नौकरी की तैयारी है, इसको हम कहां से करें, कैसे करें, ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा गया। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया कि हम जब सरकारी नौकरी के लिए एग्जाम के लिए तैयारी करते हैं, चाहे SSC की तैयारी करते हैं या UPSC की तैयारी करते हैं, UPSC की तैयारी करते हैं, CGL, CHSL जो भी तैयारी करते हैं, क्या उसे हमें हिंदी माध्यम में करना चाहिए या अंग्रेजी माध्यम में करना चाहिए? ये बात सबसे ज्यादा भी पूछा गया और तमाम स्टूडेंट्स के मन में ये डाउट भी बना रहता है कि हमें किस मीडियम पे जाना चाहिए, किस मीडियम पे अपने आप को प्लेस करना चाहिए। अगला क्वेश्चन आपने पूछा, किस परीक्षा की तैयारी करें? अब यहाँ पे किस परीक्षा की तैयारी करने का जो तात्पर्य है, आप लोगों का मेरे ख्याल से ये पूछना था कि हम SSC की तैयारी करें, CHSL की तैयारी करें, CGL की तैयारी करें, MTS की तैयारी करें, GD की तैयारी करें, इंजीनियरिंग की तैयारी करें, या फिर UPSSC की तैयारी करें, या अलग अलग स्टेट की जो SSC है उसकी तैयारी करें, या फिर UPSC लोक सेवा आयोग की तैयारी करें। तो ये कंफ्यूजन का विषय है काफी, लेकिन मैं इन सभी क्वेश्चन का आपको जवाब दूंगा और इस वीडियो के बाद, इस लेक्चर के बाद आप ये समझ पाएंगे, आप ये डिसाइड कर पाएंगे कि वास्तव में मुझे क्या करना चाहिए, हमें किस दिशा पे जाना चाहिए, किस प्लेटफॉर्म को सेलेक्ट करना चाहिए, कौन सा रास्ता हमारे लिए बेहतर होगा। ये तमाम जानकारियां आपको आज इस वीडियो में मिलने वाली है। इस वीडियो के माध्यम से आपको फिर कहीं भी किसी भी तरह के आपके मन में कोई भी शंका नहीं होगा, आप बहुत ही आसानी से हर एक चीज कर पाएंगे और जान पाएंगे। तो डियर स्टूडेंट, आगे की अगर मैं बात करूं तो सरकारी नौकरी पाने का रास्ता क्या है, ये जितनी भी क्वेश्चन आपने किया है, तो मैं शुरुआत करूंगा कि सरकारी नौकरी पाने का रास्ता क्या है, वह कौन सा रास्ता है जिसके माध्यम से आपको गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, वह कौन सा रास्ता है, वह कौन सा तरीका है जिससे आपको सरकारी नौकरी मिल जाए। तो ये जानने के लिए हमें उन रास्तों को जानना जरूरी है। तो सरकारी नौकरी पाने के जो रास्ते हैं वह आपके पास है। सबसे पहला जो रास्ता आता है वह SSC एग्जाम जो है, ये सरकारी नौकरी पाने का एक रास्ता है। SSC ने कई ग्रुप्स बनाए हैं, कई कैटेगरीज हैं, और जिसमें SSC का एक CHSL कैटेगरीज है, CGL कैटेगरीज है, MTS है, GD है। अगर हम SSC की बात करें तो SSC की अगर आप तैयारी करते हैं तो आपको सबसे पहले ये फोकस करना होगा कि आप किसके लिए तैयारी कर रहे हैं, यानी ये डिसाइड। बहुत से ऐसे कैंडिडेट हैं जो ये डिसाइड ही नहीं कर पाते कि हमें CGL में कि मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ, या MTS के लिए कर रहा हूँ, या CGL के लिए कर रहा हूँ, किसके लिए कर रहा हूँ। और जिससे नतीजा क्या होता है कि उनसे छोटी छोटी ऐसी गलतियां होने लगती हैं जो एग्जाम में उनके लिए काफी भारी पड़ जाता है, उन्हें काफी इंतजार करना पड़ सकता है, और ऐसा हुआ है। तो सबसे पहले आप फोकस कर लीजिए, यदि आप 10वीं के बाद से SSC में एंटर कर रहे हैं, यानी 10वीं क्लास से आप जा रहे हैं, तो आपके लिए एक ही ऑप्शन बचता है, सिर्फ MTS, यानी मल्टी टास्किंग का जो जॉब है, इसमें 10वीं के बाद यह एक नॉन टेक्निकल जॉब है और इसमें आप जा सकते हैं, इसकी तैयारी कर सकते हैं। फोकस आपका होना चाहिए कि मुझे 10वीं के बाद ही करना, आगे पढ़ाई नहीं करना, तो आपके लिए ये बेहतर हो सकता है। यदि आप 10+2 की बात करें, 10+2 और ग्रेजुएशन की बात करें, तो उस समय आपको CHSL और CGL पर कंसीडर करना चाहिए, यानी फोकस करना चाहिए। तो ये बहुत क्लियर है और ये जानकारी आई थिंक सबको लगभग हो जाती है, मिल जाती है। उसके हिसाब से अगर आप अपनी रणनीति बनाते हैं, अपनी स्ट्रेटजी बनाते हैं, तो आप पहली बार में एग्जाम पास करेंगे, इसकी गारंटी है।
अब मैं बात कर लेता यूपीएसएससी के एग्जाम के बारे में। यूपीएसएससी में भी आप जो है 10+2 की पढ़ाई पास करने के बाद से आप इसमें अपीयर हो सकते हैं और अपनी नौकरी ले सकते हैं। ये सरकारी नौकरी पाने का रास्ता है। लोक सेवा आयोग की मैं बात करूं, सिविल सर्विसेज की बात करूं, तो ये जो रास्ता है ये ग्रेजुएशन के बाद आप इसकी तैयारी कर सकते हैं, ग्रेजुएशन के बाद आप इस जॉब में जा सकते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि जो जो सिविल सर्विसेज का जॉब होता है, हर जॉब में एक अपने आप में एक बेहतर जॉब है और एक एक ऐसा जॉब, एक ऐसा प्रोफेशन जिसके लिए हर एक व्यक्ति ललायित रहता है। तो आईएएस बनना हो, आईपीएस बनना हो, या किसी डिपार्टमेंट में आपको जीएसटी डिपार्टमेंट जाना हो, आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जाना हो, जिसमें भी जाना हो, तो आपको इन एग्जाम से गुजरना ही होगा। जब तक ये एग्जाम आप पास नहीं करेंगे, जब तक ये एग्जाम आप क्रैक नहीं करेंगे, तब तक आपको ये जॉब नहीं मिलने वाला है। तो डियर स्टूडेंट, ये तो क्लियर हो गया कि सरकारी नौकरी पाने के लिए हमें परीक्षा पास करना होगा, और वह चाहे एसएससी हो, चाहे यूपीएससी हो या यूपीएसएससी हो। सरकारी नौकरियों के लिए परीक्षा पास करना एकदम अनिवार्य है, इसके बगैर आपको जॉब नहीं मिल सकता, और आपको ये क्लियर भी हो गया। अगर ये जरूरी है कि सरकारी नौकरी के लिए हमें परीक्षा पास करना जरूरी है, तो जाहिर सी बात है कंपटीशन भी अधिक होगा, लोगों की संख्या भी अधिक होगी, तो आपकी जो क्लास होगी, आपकी जो कोर्सेज होंगी, वह भी इस तरीके की होनी चाहिए कि जो आपको हर एक पहलू से हर एक जानकारी दे, हर एक दिशा निर्देश करे और प्रॉपर गाइडेंस करे। जब तक आपको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलेगा गवर्नमेंट जॉब के लिए, जब तक आपको प्रॉपर हर एक चीज के बारे में नॉलेज नहीं होगा, तब तक आपके लिए दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो आपकी जो क्लासेज होती हैं, वह क्लासेज आज टेक्नोलॉजी के जमाने में ये क्लास काफी आसान हो चुकी है। आप कहीं से भी रह करके, आप कोई भी काम करते हुए कहीं से भी रह करके आप ये क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि अब तो ऑनलाइन का जमाना है और ऑनलाइन मोड में आप क्लासेस कहीं रहते हुए कर सकते हैं। एक समय हुआ करता था कि जब क्लास लेने के लिए आपको बड़े बड़े शहरों में जाना पड़ता था, बड़े बड़े सिटियों में जाना पड़ता था, वहां मकान लेकर रहना और एक भारी भरकम खर्च वहन करना पड़ता था। लेकिन आज जिस तरह से टेक्नोलॉजी ने इस एजुकेशन सेक्टर में एक नया क्रांति लाया है, इससे एजुकेशन आसान भी हुआ है, हर चीज आसान हो गई है, हर चीज की उपलब्धि बहुत ही आसान हो गई है। आप अपने घर पे रहते हुए कोर्स प्राप्त कर सकते हैं, आप अपने घर पे रहते हुए क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, आप अपने घर से ही, चाहे वो एसएससी हो, यूपीएससी हो या सीजीएल हो, सीएचएसएल, एमटीएस हो, सभी एग्जाम को आप घर पर रहते हुए तैयारी कर सकते हैं। आज हमें टेक्नोलॉजी ने ये मौका दिया है, ये प्लेटफॉर्म दिया है। तो इसके क्लासेस के लिए आप अपनी रणनीति तय कर लें, अपना फोकस कर लें, क्या करना है। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मोड में कोर्सेज अवेलेबल हैं, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। हर एक चीज को आप समझिए और जानिए, और वीएस स्कूल जो है आपको हर एक पहलू को, हर एक बात को, वो चाहे छोटी सी छोटी ही बात क्यों ना हो, जो आपके एग्जाम के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है, उसे कभी वो नजरअंदाज नहीं करता। यही कारण है कि आज तमाम कैंडिडेट्स के, तमाम स्टूडेंट्स को वीएसआर स्कूल, सरकारी नौकरी की तैयारी का जो स्कूल है, वो उन्हें बहुत ही पसंद आता है और भाता है, क्योंकि उन्हें रिजल्ट मिलता है। अब मैं बात कर लेता हूं कि 10वीं, 12वीं और बीए के बाद फॉर्म अप्लाई होता है। तो 10वीं, 12वीं, अब तक तो ये क्लियर हो चुका होगा कि आपको 10वीं के बाद, 12वीं के बाद, बीए के बाद आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके पहले वीडियो में मैंने ये पूरा डिस्कस किया था, बताया था कि आपको 10वीं के बाद कौन सा जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, 12वीं के लिए कौन सा कर सकते हैं और ग्रेजुएशन के बाद क्या अप्लाई कर सकते हैं। अगर उस आप इस वीडियो पे पहली बार है या कोई कंफ्यूजन है, तो आप उन वीडियो को देख सकते हैं, उससे आपको जानकारी मिल जाएगी। अब देखो, अगर मैं एक छोटी सी आउटलाइन की बात कर लूं, तो एक एग्जांपल के रूप में मैं अगर बात कर लूं, तो 10वीं के बाद आप एसएससी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं, एसएससी का एमटीएस एग्जाम कर सकते हैं। ये मल्टीटास्किंग जॉब होता है और नॉन टेक्निकल जॉब होता है। ये इसकी वैकेंसीज भी इस समय आ चुकी है, फॉर्म भी अप्लाई हो चुका है, इसके बैच भी स्टार्ट हो चुके हैं। तो ये एक जॉब है, हर साल इन
वैकेंसीज आती रहती है, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप अगर 10वीं के बाद अगर करना चाहते हैं तो आप एसएससी की तैयारी करने के बाद आप इस जॉब में जा सकते हैं। 10+2 के बाद भी आप एसएससी की तैयारी कर सकते हैं, सीएचएसएल की तैयारी कर सकते हैं। आगे अगर आपने पढ़ाई किया तो सीजीएल की पढ़ाई के लिए, जॉब के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। ये सारे ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। यूपीएसएससी का और यूपीएससी का एग्जाम भी के लिए भी आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। डिपेंड ये करता है कि आपका इंटरेस्ट किस में है। जिसमें आपका इंटरेस्ट होगा उसमें अगर आप जाएंगे तो मेरे ख्याल से आप बेहतर परफॉर्मेंस कर पाएंगे, बेहतर चीजें कर पाएंगे और फिर आपके आपका सपना भी पूरा होगा और पहली बार में जॉब हासिल करने में आप सफल हो पाएंगे। अब मैं बात कर लेता हूं आगे कि कोर्स कहां से करें। देखो ये मैटर बहुत ज्यादा इस समय, देखो जिस तरह से टेक्नोलॉजी ने हमें प्लेटफॉर्म दिया है तो तमाम तरह के कोर्सेज आपको अवेलेबल हैं। यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल हैं और एक से एक बेहतरीन टीचर आपको पढ़ाने का काम करते हैं। तो आपके पास अगर है तो अलग अलग जो भी जिनकी भी भाषा शैली, जिनकी भी आपकी पढ़ाई आपको अच्छी लगती है वहां से आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि आपके जो सिलेबस हो वो अगर डायनेमिक मॉड्यूल में नहीं है तो फिर हमें ये विचार करने की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि ये मौके बार बार आपके पास नहीं आएंगे। इन मौकों जो मौके आप आ रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि एसएससी की वैकेंसीज आई हैं, यूपीएससी की वैकेंसीज आती हैं, यूपीएससी की वैकेंसीज आती हैं, तो इन वैकेंसी को आने में थोड़ा टाइम लग जाता है, कभी कोई कॉन्ट्रोवर्सी हो जाती है तो थोड़ा इंतजार करना पड़ता है। लेकिन बहरहाल वैकेंसीज हर साल कोई ना कोई आती है, तो आपको बहुत घबराने की बात नहीं है। आप शुरू से ही अगर आपने मन बना लिया, क्लास 10 से ही मन बना लिया कि मुझे गवर्नमेंट जॉब करना है, तो तैयारी आपकी उसी समय से शुरू हो जानी चाहिए। और जो आपका सिलेबस होता है वो सभी सिलेबस आपका आपकी पढ़ाई से ही आता है। ऐसा नहीं कहीं कोई बाहर से क्वेश्चन आता है। लेकिन अब इसका भी क्षेत्र इतना लंबा है, इतना बड़ा है कि स्टूडेंट्स कंफ्यूज तो कर ही जाता है। तो वीएस स्कूल देवरिया आपके लिए काफी फायदेमंद हो सकता है। वीएस स्कूल इट मींस वेसर स्कूल से आप जो है ऑनलाइन कोर्स आप ले सकते हैं, ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं और प्रॉपर गाइडेंस ले सकते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्यों हम वीएस स्कूल ही ज्वाइन करें, क्यों हम वेसर स्कूल ही ज्वाइन करें, क्या कोई और स्कूल नहीं कर सकते? बेशक आप कर सकते हैं, लेकिन वेसर स्कूल की जो स्ट्रेटजी है, जो स्टूडेंट्स के साथ उनकी तैयारी, उनके कोर्स, वहां की जो सिलेबस है, जिस तरीके से डिजाइन किया गया है, उस सिलेबस ने काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, काफी अच्छे रिजल्ट दिए हैं, जिससे काफी बच्चे इस समय जॉब के लिए जॉब में सेलेक्ट हुए हैं, एग्जाम पास किए हैं। तो ये कैसा कैसे कोर्स की आवश्यकता है जो आपको पहली बार में वेसर स्कूल का जो पहला फोकस है वो सिर्फ इस बात पे होता है कि हमें पहली बार में कैसे हम एग्जाम पास करें। पहली बार में अगर एग्जाम पास करें, अगर आप लगे हुए हैं तो जाहिर सी बात है अगर पहली बार में नहीं कर पाएंगे तो दूसरी बार आप कोशिश करेंगे, तीसरी बार आप कोशिश करेंगे। इसकी भी एक लिमिट है, इसकी भी एक क्राइटेरिया है। पहली क्राइटेरिया तो आ जाती है एज का लिमिटेशन है। एज अगर आपका एज क्रॉस कर गया तो आप इसमें नहीं कर सकते। इसमें बाउंडेशन नहीं है कि आप कितनी बार देंगे, लेकिन एज की लिमिटेशन जरूर है, एज की लिमिट जरूर है, एज की सीमा जरूर है। तो हमें अपने टाइम को बचाते हुए, पैसे की बचत करते हुए एक अच्छी तैयारी अगर करना है तो हमें वीएस स्कूल ज्वाइन करना ही होगा, क्योंकि वीएस स्कूल में आपको उन अनुभवी एक्सपर्ट टीचरों का साथ मिलता है जिनका 25 साल का अनुभव है, किसी का 25 साल, किसी का 30 साल, और ये लोग एक तरह के ऐसे रिसर्चर हैं जिन्होंने सरकारी नौकरी पाने के रास्ते को बहुत ही आसान कर दिया है। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप भी पहली बार में अगर पास करना चाहते हैं तो आप वीएस स्कूल ज्वाइन कर सकते हैं। ये स्कूल आपके लिए काफी फायदेमंद हो सकता है। वीएस स्कूल की एक खासियत है कि यहाँ पर आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मोड में कोर्सेज अवेलेबल हैं, वह भी हिंदी और इंग्लिश में। हिंदी इंग्लिश में है, आप जिसमें भी आपका इंटरेस्ट हो, जिसमें आप कंफर्टेबल हो, जिसमें आप अपने आप को इजी महसूस करते हो, सरल महसूस करते हो, उसमें आप अपना क्लास, अपना कोर्स ले सकते हैं और अपनी स्टडी को जारी कर सकते हैं। सरकारी नौकरी करने के लिए जो वीएस स्कूल का सुपर कोर्स है वो कोर्स आपके लिए काफी फायदेमंद साबित हुआ। अब तक जो देखा गया, इस सुपर कोर्स का जो परफॉर्मेंस देखा गया, सुपर कोर्स ने चारों तरफ धमाल मचाया।
अभी हाल ही में जो एसआई की जो एग्जाम हुआ था, उस एग्जाम में जिन लोगों ने वीएस स्कूल के माध्यम से अपनी तैयारी किया था, उन लोगों का रिजल्ट बहुत ही अच्छा आया है अन्य की तुलना में, अदर की तुलना में। तो डियर स्टूडेंट्स, फोकस हमारा क्या होना चाहिए कि हम पहली बार में एग्जाम को पास करें, पहली बार में हम नौकरी हासिल करें, मकसद यही होता है। वैसे दुनिया का कोई भी स्कूल बुरा नहीं होता है, दुनिया का कोई भी टीचर बुरा नहीं होता है, तरीके अलग अलग जरूर हो सकते हैं, आपकी समझ जरूर अलग अलग हो सकती है, लेकिन अगर हम हर चीज को अगर हम इस तरीके से मैनेज करें, उन कमियों से सीखें। देखो, जब इंसान गलती करता है तभी उस गलती को सुधार करने की कोशिश करता है। और अब जरा सोचिए कि एक लड़का जो क्लास 10th पास किया हुआ है, उसे इतनी समझ नहीं है कि हमें एसएससी की तैयारी किस तरीके से करनी चाहिए, उसे किसी स्ट्रेटजी के बारे में नहीं जानकारी है, वह जो सुन रहा है उसके अकॉर्डिंग वो उसे फॉलो कर रहा है। लेकिन जिस दिन वो फेल होता है, जिस दिन वह सफल नहीं हो पाता है, उस दिन ये सोचता है कि हमसे ये गलती हुई है, ये चूक हुई है, और वह दोबारा उस गलती को नहीं करता है। तो जो वीएस स्कूल है उन गलतियों से ही सीखा है। वीएस स्कूल हमेशा से एक रिसर्च करता आया है और उन तमाम गलतियों से सीखता आया हुआ है, ताकि आपको इंतजार न करना पड़े और पहली बार में आपको जॉब जरूर मिले। अब मैं बात कर लेता हूं कि तैयारी की बात, हमें जो इस एग्जाम की तैयारी है वह हिंदी मीडियम से करनी चाहिए या अंग्रेजी मीडियम से करनी चाहिए। तो देखो, आपकी तैयारी किस मीडियम से होनी चाहिए, ये हिंदी से हो, अंग्रेजी से हो, या दोनों से हो, ये बहुत ज्यादा मैटर करता है उस समय कि जब आपको पूरी अच्छी जानकारी नहीं होती है। तो आपके सामने मैं कुछ एग्जाम्पल रख रहा हूं, उसे आप समझ लीजिए। देखो, आप चाहे हिंदी मीडियम कोर्स करें, अगर हिंदी से आप कोर्स करते हैं, अगर हिंदी में यूपी बोर्ड से आप हैं या हिंदी मीडियम से आपने पढ़ाई किया है, तो जाहिर सी बात है आप हिंदी कोर्स से ही आप इसकी तैयारी करें। लेकिन यदि आप जो है सीबीएसई बोर्ड से अगर आपने तैयारी किया, तो फिर आप जो है हिंदी इंग्लिश दोनों ले सकते हैं, या अगर इंग्लिश में कंफर्टेबल है तो आप इंग्लिश का कोर्स ले सकते हैं। इन सबका एक वजह है आपकी समझ। अगर आप हिंदी और इंग्लिश दोनों को लेके चलते हैं, यानी मिक्स लेके चलते हैं कि हिंदी में मिलेगा, इंग्लिश में मिलेगा, तो ये दोनों ऑप्शन आपके लिए बेहतर होगा। तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप हिंदी और इंग्लिश का जो मिक्स वर्जन है, मिक्स कोर्स है, इसे आप लेके चले, ताकि आपको कोई किसी तरह का दिक्कत न हो, किसी दिक्कतों का सामना न करना पड़े। तो आप किस माध्यम से तैयारी करेंगे, कैसे करेंगे, ये बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता है। आपकी समझ किस भाषा में ज्यादा है, अगर हिंदी में आप बहुत इजी महसूस करते हैं तो हिंदी से करिए, इंग्लिश में होते इंग्लिश में, पेपर आपके हिंदी और इंग्लिश दोनों में आते हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं बात कर लेता हूं आगे, किस परीक्षा की तैयारी करें। अब ये तैयारी, किस परीक्षा की तैयारी करें, ये क्वेश्चन भी आप सबने बहुत ज्यादा पूछा कि किस परीक्षा की तैयारी करें, एसएससी की करें, एमटीएस की करें, सीजीएल की करें। देखो, ऐसा है कि एक डिसाइड कर लो, एक क्राइटेरिया डिसाइड कर लो कि एसएससी का करना है या यूपीएसएससी का करना है, या फिर जो है यूपीएससी में जाना है, लोक सेवा आयोग में जाना है, कोई एक फोकस तो आपको करना ही होगा। अब उसके अकॉर्डिंग अगर आपकी एजुकेशन है, मौके अगर सीएचएसएल के मिलते हैं तो सीएचएसएल के लिए अप्लाई करिए, एमटीएस के लिए मिलते हैं उसके लिए अप्लाई करिए, सीजीएल के लिए मिलता है सीजीएल के लिए अप्लाई करिए, जो भी मौका आपको मिलता है उसमें आपको अप्लाई करना चाहिए। अब ये इंतजार नहीं करना चाहिए आपको कि हाँ अब ये जॉब आएगा तभी मैं इसके लिए अप्लाई करूंगा। यूपीएससी का जॉब का ऑफर आता है आपके पास, या इसकी वैकेंसीज आती है, तो आप इसके लिए अप्लाई करिए। अगर आप यूपीएससी, अब यूपीएससी में ये बातें लागू नहीं होती हैं, लोक सेवा आयोग की अगर एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हैं, आईएएस पीसीएस की, तब तो आपको फोकस सिर्फ एक ही पे रहना होगा कि हमें सिर्फ इसी के बारे में सोचना है, और इसमें आपको हर तरह से अपनी रणनीति को लेकर के, अपने सिलेबस को लेकर के काफी गंभीर होना पड़ेगा, वक्त देना होगा, हर एक तरीके से आपको तैयारी करना होगा, तभी जाकर के यह आईपीएस आईएएस पीसीएस बनने का सपना पूरा हो पाएगा। अब मैं बात कर लेता हूं कि वेदसर देवरिया जो स्कूल है ये कहां पर है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये उत्तर प्रदेश के देवरिया जनपद में स्थित है, और यहां पर आपको वह तमाम चीजें मिल जाती हैं जो सरकारी नौकरी से संबंधित होती हैं, जिसकी पूरी जानकारी आपको स्क्रीन पर दिए गए वेबसाइट से, यानी vedsar.com से आप ले सकते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही मोड में क्लासेज अवेलेबल है, हिंदी इंग्लिश मोड में क्लासेज आपको अवेलेबल है, मिल जाते हैं।
मिनिमम कोर्स फीस होता है, बहुत ही मामूली फीस में आप अपने कोर्स की तैयारी कर सकते हैं, क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं और पहली बार में एग्जाम पास कर सकते हैं। आई होप कि ये जानकारी आपके